गाजियाबाद का रामलीला मैदान, चिलचिलाती धूप में जुटी हजारों की भीड़। ये प्रवासी श्रमिक दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब से हैं। यहाँ इस उम्मीद में जुटे कि उन्हें बिहार में उनके घर तक जाने के लिए ट्रेन मिलेगी। रजिस्ट्रेशन की लाइन लंबी है। सबको पता है कि एक दूसरे के करीब आने से कोरोना संक्रमण हो सकता है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। दो गज की दूरी है बहुत जरूरी। हाँ, जरूरी पता है, पता है। तो फिर ऐसे पीछे से धक्का दे रहे हैं ना सर, पीछे से भी धक्का दे रहे हैं। बीमारी क्या, कोई बीमारी है ही नहीं। नहीं, आप चिपक के खड़े हो तो ये तो बीमारी तो हो ही सकती है, संक्रमण तो हो ही जाएगा सर। क्या करें, मजबूरी है। डर तो नहीं लगता है, पर चार दिन से खड़ा हूँ, पटना के अभी तक टिकट नहीं कटा है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी कई लोगों का बिहार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। ट्रेनें सीमित थी, प्रशासन ने कहा बाकी लोगों को बसों से भेजा जाएगा, तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 8 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवाया था, अभी तक मैसेज नहीं आया सर। एक हफ्ता से हमको दौड़ाया जा रहा है, हमारा कोई नहीं सुन रहा है। पुलिस वाला हमें गाली देता है, माँ बहन का गाली देता है, पुलिस वाला डंडा मारता है, खाने के लिए भी देता है मगर डंडा भी मारता है। रास्ता में चलते हैं पैर में छाले पड़ जाते हैं। देह से दूरी बनाए रखने के नियमों की धज्जियां उड़ने का ठीक रहा, प्रशासन ने मजदूरों पर ही फोड़ दिया। तो आप प्रॉपर गैप रखो, ये गैप लेने के लिए नहीं तैयार है, हाथ जोड़ने पे भी वो करने पे मेरे ही ऊपर कूद पड़ रहे हैं। उधर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर परेशान प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। वो किसी भी हाल में अपने राज्यों में, अपने गांवों, कस्बों तक पहुंचना चाहते हैं। ये अजय हैं जो दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में अपने साथियों के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे। ठेकेदार ने कोरोना के डर से काम पर नहीं लौटने दिया। ऐसे में वापस झारखंड जाने के अलावा अब उनके पास कोई चारा नहीं। अभी सर जी हम जाना चाहते हैं सर जी, पैसे 1 रुपये नहीं है तो हम लोग सोचे सर जी पैदल ही जाएं। यूपी के बिजनौर के शोएब अहमदाबाद में एक फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन में फैक्ट्री बंद हुई तो जैसे तैसे महंगा टिकट लेकर विशेष ट्रेन से दिल्ली आ गए। साथ में बेटी भी है जो 12वीं में पढ़ती है। गांव के ही 8 अन्य लोग भी हैं। अब परेशानी ये है कि यहां से आगे बिजनौर जाएं तो कैसे। लॉकडाउन में पूरा मार्केट खत्म हो गया, माल बना हुआ भी खराब हो गया और मार्केट में जो पैसा था वो भी डूब गया, इसलिए नहीं दिया ग्राहकों ने। कुछ यही हाल हृदय प्रसाद का भी है। गाजियाबाद की गौर सिटी में मिस्त्री हैं, लेकिन काम बंद है तो कमाई भी बंद। अब पत्नी बच्चों के साथ वापस छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। ट्रेन नहीं मिली तो पैदल ही निकल पड़े। छत्तीसगढ़ पहले पंजीयन करवाया था मैं, कल के डेट में मैसेज भी आया, दो बार फोन भी आया, तो फोन वाले बोला कि आप प्रयागराज आ जाओ, प्रयागराज इलाहाबाद। मैं बोला सर मेरे पास तो साधन वाधन नहीं है, मैं मजदूर आदमी हूँ, इतनी दूर कैसे आ पाऊंगा। तो बोला देखिए भैया ये आपका मजबूरी है। उधर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र से निकलने वाले प्रवासियों की तादाद घट ही नहीं रही। मुंबई से सटे ठाणे के 3 हाथ नाका में ऐसे मजदूरों की करीब 1 किलोमीटर लंबी कतार नजर आई। ये लोग इस उम्मीद में यहाँ लगे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें बसों से उनके राज्य के बॉर्डर तक छोड़ दिया जाएगा। भाई गले से है मुंबई से। कभी यहाँ पे कब से हैं? यहाँ पे 2 बजे रात से। रात 2 बजे रात से। तो अभी क्या बोला जा रहा है, कहाँ पे लेके जा रहे हैं? अभी बोल रहे से बिहार के बॉर्डर पर छोड़ देंगे। ऐसा ही नजारा भिवंडी कल्याण नाका पर भी दिखा। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब इस उम्मीद में लाइन में लगे हैं कि उन्हें अपने राज्य जाने को बस मिल जाए। हम 3 बजे रात से आए सर। अच्छा, 3 बजे से रात से रुके, लेकिन तब भी इतना समय लग रहा है, यानी 12 घंटा लगभग आप लोगों को हो चुका है यहाँ पे। अभी क्या करेंगे सर, अभी देखना पड़ेगा। आगे लाने के लिए जो है हम लोग जो है सवेरे आ जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि अब तक उसने 11,379 बसें चलाई हैं और करीब 1,41,000 से ज्यादा मजदूरों को सुरक्षित बॉर्डर तक छोड़ दिया है। लेकिन बॉर्डर तक छोड़ने से ही क्या ये जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? वहां से आगे उन्हें किसके भरोसे छोड़ा जा रहा है? साफ है प्रवासी मजदूरों के लिए सरकारों की व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। ऐसे में कुछ उम्मीद वो लोग जगाते हैं जो अपनी व्यक्तिगत कोशिशों से ऐसे परेशान लोगों को राहत पहुंचाने में जुटे हैं। भोपाल के विदिशा रोड बाईपास पर 8 मई से कुछ लोग इस काम में जुटे हुए हैं। नाज अजहर हर सुबह
150 से 200 लोगों का खाना बनाती हैं। हमें कुछ लोगों ने पैसे भी दिए जो संस्थाओं की ओर से, फिर उसके बाद में हमें मेडिकल हेल्प और जो भी आवागमन की सुविधा के लिए कुछ लोग मदद कर रहे हैं। 200 लोगों का खाना है, उसमें 2.5 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा शुरुआत में आता है। सिर्फ खाना ही नहीं खिलाया जा रहा, इन श्रमिकों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम भी हो रहा है। जिनकी चप्पलें टूट गईं, उन्हें नई चप्पलें दी जा रही हैं। जब से हम लोगों ने ये रोड पर देखा था ना कि लोगों का बहुत बुरा हाल है, मतलब पैदल आ रहे हैं और उनको 13-14 दिन हो गए और कोई बता रहा है 20 दिन हो गए बराबर पैदल चल रहे हैं, तो वो उन बच्चों का मंजर देखकर, क्योंकि कुछ बच्चों के पास चप्पलें भी ना थी, तो हम लोग यहाँ से क्रॉस हुए थे उस दिन से सर हम चालू हो गए। लॉकडाउन 2 हफ्ते और बढ़ चुका है, ऐसे में बचे खुचे प्रवासी श्रमिकों का भी लगता है धैर्य टूट गया है। काम नहीं है तो खाने के पैसे कहां से आएंगे, उन्हें अब अपने घर लौटने से रोकने का कोई तर्क नहीं बचता।